नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस दाखिल है तो उन केसेस के ऊपर जो होने वाली सुनवाई है तो उसके संदर्भ में जो अपडेट है तो उस अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी लेने वाला हूँ। तो जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि 15 अप्रैल 2021 को 11:50 पर दाइची से संबंधित मामलों पर जो है वो सुनवाई हुई थी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मामले है तो उन मामलों को यह जो सुनवाई है तो उसके बाद सुनवाई के लिए लिए जा सकता है, ऐसा अपडेट था। पर यह जो मामला है दाइची सैंको कंपनी का जो मामला है तो उसके ऊपर सुनवाई हुई, उसके बाद ही ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर सुनवाई हो सकती थी, जो अपडेट था। तो उसी के आधार पर यहाँ पर यह जो मामला है तो वो यहाँ पर सुनवाई के लिया गया। पर बाकी जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित मामले है तो उन मामलों को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था। ऐसे में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित जो केसेस है तो उनकी अगली सुनवाई कब होगी तो इसका इंतजार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उस अपडेट के बारे में अभी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में आपको पता चल सके। और इसी तरह से आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल 2021 को मिसेस दाइची सैंको कंपनी वर्सेस ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स का जो मामला है तो इस मामले पर सुनवाई हुई थी और इसके बाद ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों पर सुनवाई होने वाली थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह जो अपडेट था तो इसमें क्लियरली बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2021 को आइटम नंबर 18 मिसेज दाइची सैंको का जो केस है तो वो सुनवाई के लिए लिया गया था। उसके बाद ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो अन्य मामले हैं तो उनके ऊपर सुनवाई हो सकती है, ऐसा कहा गया था। पर 15 अप्रैल 2021 को भी यह जो मामला है इसके ऊपर सुनवाई हुई और बाकी मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। ऐसे में यहाँ पर दिन करके अपडेट के बाद जो अपडेट आया था उसमें बताया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामला है तो वो मामले जो है वो 22 अप्रैल 2021 को सुनवाई के लिए ले जा सकते हैं। तो जी यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस अपडेट में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ईपीएस 95 केसेस एज पर सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट स्टेटस लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 22 अप्रैल 2021, दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड अपडेट। तो जी यहाँ पर यह जो अपडेट था इसमें बताया गया था कि 22 अप्रैल 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं तो इन मामलों के ऊपर जो है वो सुनवाई हो सकती है। इसी को देखते हुए यहाँ पर ये जो अपडेट है इसमें बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो 60 केसेस है तो उनको जो है वो 22 अप्रैल 2021 को जो है वो सुनवाई के लिए लिया जाएगा। तो यह सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस वेबसाइट से ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड की गई है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं तो वो 22 अप्रैल 2021 को कोर्ट नंबर 4 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए लिए जा सकते हैं, ऐसा अपडेट जो है वो दिया गया है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 ईपीएस 95 केसेस एट सीरियल नंबर 8 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट नंबर 4 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो सुनवाई के लिए लिए जा सकते हैं। तो जी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित मामलों की जो लिस्ट है तो वो यहाँ पर जारी की गई है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं, जो कनेक्टेड मामले हैं तो उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। और इस संबंध में अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो उस वेबसाइट पर जाकर आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो रेगुलर अपडेट है, हायर पेंशन से संबंधित जो रेगुलर अपडेट है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उससे संबंधित जो भी अपडेट है तो उसके बारे में आप वीडियो स्क्रीन पर ये जो
वेबसाइट देख रहे हैं तो उस पर जाकर भी इसके बारे में जानकारी समय समय पर ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंचेगी वह वीडियो आप जरूर एक बार देखेंगे और दोबारा नहीं देखेंगे, पर इस वेबसाइट पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो अपडेट है वो रेगुलरली पोस्ट किए जाते हैं, जिसके बारे में आप इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको जब भी वेबसाइट के में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित अपडेट जानना हो तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं तो वो मामलों जो वो 22 अप्रैल 2021 को सुनवाई के लिए ले जा सकते हैं। इसके संदर्भ में 22 अप्रैल को जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से और इस वेबसाइट के माध्यम से अपडेट करवाते रहेंगे। इसके लिए आप दोनों की जगह पर रेगुलर विजिट करते रहिए ताकि आपसे जो हो आगे आने वाले अपडेट जो हो कोई भी मिस ना हो सके। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाले वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको बिना कुछ करे आपके मोबाइल फ़ोन पर या फिर कंप्यूटर पर भी मिलता रहेगा। जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। यह केवल आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही हो पाएगा, अन्यथा आपको वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिल पाएगा। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले थे तो उन मामलों के ऊपर ये जो 22 अप्रैल 2021 को सुनवाई की हो सकती है, तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट था तो उस अपडेट के बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो है वो रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है तो इस बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज है आने वाले अपडेट है तो उन सभी का नोटिफिकेशन जो आपको सही समय पर मिलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।